तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी आर्मी के ऊपर। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप डायमंड से हीरोइक नहीं जा पा रहे हैं तो आप किन रूल को फॉलो करके आप यहाँ पे आसानी से डायमंड से हीरोइक जा सकते हो। तो वीडियो को इन तक विदाउट स्किप किए जरूर देखना, और चलिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो इंट्रो के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल के ऊपर। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है गाइज, तो इसलिए लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि अगर आप भी यहाँ पे डायमंड से हीरोइक जाना चाहते हो तो आप भी कैसे आसानी से जा सकते हो। तो इसके लिए जो हमारा पहला टिप्स एंड ट्रिक होने वाला है कि अगर आप सोलो में ठीक खेल लेते हो तो गाइज वो तो मस्त होने वाला है। अगर आप सोलो की वीडियो नहीं देखी तो गाइज सोलो टिप्स एंड ट्रिक की मैंने वीडियो डाल रखी है, अगर आप सोलो में पुश करना चाहते हो तो वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। नहीं तो गाइज आप यहाँ पे स्क्वाड प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि गाइज स्क्वाड में आपको बहुत ही ओपी वाला लूट मिलता है गाइज, और यहाँ पे रिवाइव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। बट गाइज स्क्वाड में एक दिक्कत होती है कि लास्ट में बहुत सारे बंदे होते हैं, तो यहाँ पे आपको उस समय कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ गाइज थोड़ा सा सर्वाइव करना है, अपने बंदे को सारों के साथ में रहना है, उसके बाद गाइज आप आसानी से यहाँ पे डायमंड जा सकते हो। तो दूसरा टिप्स एंड ट्रिक हमारा यह होने वाला है कि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा खेलते हो गाइज तो आप डुओ खेलो। यहाँ पे डुओ में कतई जहर वाला पुश होता है गाइज, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा खेलते हो और अगर आपका साथ वाला पार्टनर भी थोड़ा सा अच्छा खेलता है तो आप दोनों मिलके गाइज यहाँ पे बहुत ही आसानी से हीरोइक जा सकते हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो गाइज आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि गाइज डुओ में मैंने बहुत ही ओपी वाला रैंक पुश किया है। और अगर आपको पता नहीं तो गाइज डुओ में ही ग्रैंड मास्टर पुश कर सकते हो आप लोग आसानी से। तो डुओ खेलने का गाइज आपको एक फायदा और देखने को मिलेगा कि उसमें कम बंदे लास्ट जोन में बचते हैं, और अगर आपका एक बंदा मर भी जाता है तो आप आसानी से दो बंदों को संभाल सकते हो, और आप आसानी से रिवाइव भी कर सकते हो अपने बंदे को, और सामने वाले बंदे को दो बंदे को क्लियर भी कर सकते हो। तो जो भी बंदे गाइज यहाँ पे डायमंड में जाके अटक चुके हो तो भाई एक बार डुओ जरूर ट्राई करना। और आपको एक बात और ध्यान देना है कि आपका जो डुओ पार्टनर होना चाहिए गाइज वो माइक खोल के खेलना चाहिए। अगर वो बंदा माइक नहीं खोलता है तो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। इसलिए गाइज जिस भी डुओ पार्टनर के साथ आप खेलोगे उसका गाइज यहाँ पे माइक ऑन जरूर होना चाहिए। इससे आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे, आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है गाइज यहाँ पे काफी उपयोगी हो जाएगा जब आप लोग माइक ऑन करके खेलोगे। तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा टिप्स एंड ट्रिक होने वाला है कि अगर आपका गाइज यहाँ पे मोबाइल जो है लो डिवाइस है तो आप यहाँ पे करूनो यूज कर सकते हो, जिससे कि गाइज आप एक समय के लिए थोड़ी देर के लिए बच सकते हो और सामने वाले बंदे को आसानी से मार सकते हो। तो जो भी बंदे गाइज यहाँ पे लो डिवाइस में खेलते हो तो उनके लिए गाइज यहाँ पे करूनो बेस्ट कैरेक्टर है। अगर आप लोग बुकोंग यूज़ करना चाहते हो तो गाइज बुकोंग भी अगर आप यूज़ करना जानते हो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो गाइज करोनो इज़ द बेस्ट कैरेक्टर अगर आप यहाँ पे गाइज लो डिवाइस में खेलते हो। अगर आपको गाइज यहाँ पे मोबाइल हैंग करता है तो उस समय आपका करोनो बहुत ही ओपी हो जाएगा, जिससे कि गाइज अगर आप यहाँ पे सामने वाला बंदा तुरंत डैमेज देता है तो आप तुरंत यहाँ पे करोनो जला के सामने वाले बंदे को मार सकते हो। यहाँ पे करोनो सोलो में भी बहुत ही ओपी चलता है गाइज, अगर आप यहाँ पे सोलो खेल रहे हो वहाँ पे भी आप अगर आप करोनो यूज करते हो तो वो भी काफ़ी ओपी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सोलो में 5 किल 4 किल करते हो गाइज तो आपका फुल प्लस मिल ही जाता है। और यहाँ पे अगर आप सोलो में 4-5 बार करोनो भी यूज कर सकते हो, तो जब भी आपके पास करोनो होता है तब गाइज आप फाइट लेके आसानी से यहाँ पे बोया निकाल सकते हो। तो चौथे टिप्स एंड ट्रिक के बताने से पहले गाइज आप लोगों को मैं बता दूँ, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो अगर आप लोगों ने गाइज अभी तक लाइक नहीं ठोका तो गाइज ठोक दो भाई, लाइक फ्री होता है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइज सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए आप लोगों को आप चौथा टिप्स एंड ट्रिक बता ही देते हैं। तो यहाँ पे चौथा टिप्स एंड ट्रिक हमारे लैंडिंग के ऊपर होने वाला है कि गाइज आपको फर्स्ट फाइट लेनी ही नहीं है। जैसे कि गाइज आप उतरते हो सामने वाले बंदे से फाइट लेते हो और आप गाइज आपका एक बंदा मरता है उसका भी एक बंदा मरता है तो इसमें आपको ही घटा है, क्योंकि गाइज सामने वाला बंदा रैंक पुश कर रहा है या नहीं कर रहा है ये तो आपको पता नहीं है, बट अगर आपका एक बंदा मरता है तो आपके माइनस जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे कि गाइज आपका रैंक पुश पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अगर आपका एक मैच माइनस जाता है तो सामने वाला गाइज जो बंदा खेल रहा है आपके साथ जो बंदा खेल रहा है उस पर भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है और दूसरा मैच भी माइनस चला जाता है। इसलिए गाइज यहाँ पे उतरते के साथ कभी भी फाइट मत करो, होता है गाइज कभी कभी यहाँ पे फाइट ले भी लो, यहाँ पे सामने वाले बंदे से मर भी जाओ, बट कभी कभी गाइज जब भी गाइज आपको यहाँ पे भागने के चांसेस नहीं है तभी गाइज आप फाइट लो,
बट गाइज ऐसी जगह लैंडिंग करो कि भाई वहाँ पे बंदे ना ही उतरे, और अगर आप ऐसा करते हो तो गाइज आपका जो माइनस जाने का चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएगा, और आपका जो हीरोइक पहुँचने का चांसेस है गाइज वो बहुत ही बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आप शुरू में फाइट नहीं लोगे तो आपका माइनस जो है गाइज बहुत ही कम जाएगा, और थोड़ा सा प्लस भी जाने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गाइज अगर आप शुरू में नहीं मरते हो तो आपका लूट जो है भाई वो काफ़ी ओपी हो जाता है और आप आसानी से सामने वाले बंदे को मार देते हो। तो पांचवा टिप्स एंड ट्रिक हमारा यह होने वाला है कि गाइज आप लोग हमेशा अपने दोस्त की मदद करो, अगर आप लोग रिवाइव दे सकते हो तो गाइज हमेशा रिवाइव दो, ऐसा नहीं कि गाइज टोकन से आप लोग कुछ और खरीद लो और सामने वाले बंदे से लड़ाई करके गाइज रिवाइव मत दियो, भाई आप लोग अपने दोस्त को हमेशा रिवाइव दो, क्योंकि गाइज यहाँ पे अगर आप स्क्वाड या डुओ खेलते हो तो लास्ट जोन में बहुत सारे बंदे बचते हैं, और अगर आपके पास आपकी स्क्वाड नहीं होगी तब गाइज आप कभी भी यहाँ पे नहीं बोया पुल ले पाओगे, और आपका जो रैंक है गाइज वो माइनस ही जाएगा, प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि गाइज लास्ट जोन में बहुत सारे बंदे बचते हैं, आपका जो रैंक है गाइज वो बहुत ही डिपेंड करता है रैंक पुश करने में। तो आप लोग अपने दोस्त को हमेशा रिवाइव करना, जब भी गाइज आपको मौका मिले तो गाइज रिवाइव दे ही दो, ऐसा नहीं कि गाइज आप किल के पीछे चलो, तो गाइज नहीं भाई, अगर आपको सामने वाला बंदा रिवाइव देता है तो आप भी उसे रिवाइव दिया करो जब भी आपको मौका मिलता है तब। तो जिनके पास गाइज यहाँ पे डुओ पार्टनर नहीं है वो अपना लेवल और गाइज यहाँ पे अपनी यूआईडी के साथ रैंक अपना कमेंट कर सकते हो हमारे वीडियो के नीचे, और जिसके वो भाई यहाँ पे डुओ पार्टनर की जरूरत है उनको रिक्वेस्ट भेज के आप दोनों साथ में खेल सकते हो। एक बात और गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप एक शेयर अपने दोस्त को जरूर करना, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे मोटिवेशन को बहुत बढ़ाता है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।